नमस्कार, डेड एंड न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे खिताबी मुकाबले में सुपर जायंट्स को मिला है 130 रन का लक्ष्य। जी हां, आपको बता दें कि आज मुंबई इंडियंस को कम स्कोर पर रोकने में सफल रही पुणे की टीम। पुणे की तरफ से जयदेव उनाडकर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त विकेट ली, जिसकी वजह से पार्थिव पटेल, लैंडन सिमंस शुरुआती ही दौर में आउट हो गए और रोहित शर्मा और अंबायती रायडू भी आज नहीं चल पाए। हालांकि हमको कहना पड़ेगा कि कुणाल पांडे की बेहतरीन 47 रन की पारी के वजह से एक समय मुंबई इंडियंस जो लग रहा था कि 105 107 पे सिमट जाएगी, उसने 129 रन का टारगेट बना लिया है। अब आपको बता दें कि पुणे को अगर खिताब जीतना है तो 130 रन चाहिए। हालांकि मुंबई इंडियंस ने आज जितनी खराब बल्लेबाजी की, उतनी ही पुणे ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया और 2 रन आउट लिए। आप समझ सकते हैं कि फाइनल मैच में अगर 2 रन आउट होते हैं तो बल्लेबाजों की कितनी बड़ी गलती है। हालांकि मिचेल जॉनसन और कुणाल पांडे की बेहतरीन अंतिम समय में साझेदारी के वजह से मुंबई इंडियंस ने